हेलो ऑल ऑफ यू, राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आज हम बनाने वाले हैं दूध की बर्फ़ी। दैट्स मीन दूध को खोवा बनाकर जो बर्फ़ी बनाते हैं वो तरीका आपको बताएंगे कि कैसे बनाते हैं। तो उससे पहले आपको ये दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या पड़ता है। ये आप देख रहे हैं पिस्ता, इसमें आप पिस्ता डालेंगे। आपको जितना मन करे आप उतना पिस्ता यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई और मेवा भी आप यूज़ करना चाहते हैं जैसे काजू या बादाम तो आप यूज़ कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। और ये आप देख रहे हैं, ये चांदी का वर्क है जो कि बर्फ़ी पे लगाया जाता है गार्निश करने के लिए। और इसमें 5 से 6 इलायची यूज होंगी, और ये जायफल खुशबू के लिए। और ये जो चीनी है 150 ग्राम चीनी है, और 1.5 किलो जो दूध है वो हमने खोवा बनाने के लिए रखा हुआ है, और ये 100 ग्राम चावल का आटा है। ठीक है, तो ये जो है मिठाई में यूज़ करने के लिए सामान आपको दिखाया है। और ये है केवड़ा जल, जिससे कि खुशबू काफ़ी अच्छी खुशबू हो जाती है मिठाई के अंदर। अब आपको दिखाते हैं कि आप देख रहे हैं दूध दूध यहाँ पर 1.5 किलो है, जिसको हमने अच्छे तरीके से खोवा बनाने के लिए मतलब गाढ़ा करके उबालने के लिए छोड़ा है। तो आपको जितना दूध लेना है आप उतना दूध ले सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हमने 1.5 किलो दूध उबालने रख दिया है। ठीक है, तो इसको आप वेट करते हैं हम गाढ़ा होने तक। ठीक है, अब उबलते हुए दूध में ये जो चावल का आटा अभी आपको दिखाया था ये इसमें ऐड कर देंगे, ताकि ये जो दूध है वो गाढ़ा होने में थोड़ा, हाँ ये दूध जो है गाढ़ा हो जाए। ये देखिए, ये चावल का आटा जो है 100 ग्राम जो आपको अभी दिखाया था वो इस दूध में ऐड कर दिया है। अब इसको स्लो स्लो करके चलाना स्टार्ट करेंगे, जिससे कि दूध एकदम अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा, और इसे खोवा बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, इंस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, और फिर तैयार हो जाएगी खोवे की बर्फ़ी। तो ये खोवा जो मार्केट में अवेलेबल होता है वो नहीं है, बल्कि घर में ही दूध को इंस्टेंट जो जलाकर बनाया जाता है वो खोवा है। ठीक है, तो ये और भी ज़्यादा प्योर है, और इससे बनने वाली बर्फ़ी जो होगी वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगी। तो चलो अब इसको अच्छे से उबलने के लिए छोड़ देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसका कैसा टेक्स्चर तैयार होगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो ये देखिए दूध, ये देखिए दूध, इसमें चावल का आटा डालने से ये काफ़ी अच्छे तरीके से गाढ़ा हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी जो आपको दिखाई थी, ये आप देख रहे हैं चीनी, ये देखो ये चीनी आप देख रहे हैं। अब आप ये साइड में बोल जो देख रहे हैं, इसमें थोड़ी सी चीनी निकाल कर रखेंगे लास्ट में डालने के लिए, इसको पाउडर फॉर्म करने के लिए। ये जो चीनी इस वाले बोल में डाल रहे हैं थोड़ी सी निकाल कर, इसको पाउडर फॉर्म करेंगे, और ये वाली चीनी को अभी इस वक्त इसमें ऐड कर देंगे। ये देखो 150 ग्राम चीनी थी, उसमें से थोड़ी सी चीनी लगभग 30 से 40 ग्राम चीनी हमने यहाँ पर निकाल के रखी है इसका पाउडर फॉर्म करने के लिए। इसका ये यूज़ होता है कि इसको लास्ट में जब पाउडर फॉर्म में यूज़ करेंगे तो बर्फ़ी काफ़ी अच्छी वाइट कलर की लगेगी, और काफ़ी अच्छा वाइटनेस आएगा बर्फ़ी के अंदर। ठीक है, अगर आपको वाइटनेस पसंद है तो आप इसका पाउडर फॉर्म कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि जो कलर तैयार हो रहा है वो भी चलेगा तो ये ऑप्शनल है। ठीक है, आप चीनी को अच्छे से इसमें मेल्ट करने के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये जो टेक्सचर है थोड़ा और गाढ़ा हो जाए। ठीक है, तो चलो वेट करते हैं इसके गाढ़ा होने तक। तो ये देखिए, ये जो गाढ़ा टेक्सचर तैयार हुआ है बर्फ़ी के लिए, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। ठीक है ना, तो अब इसमें पता है क्या करना है, वो जो आपको ड्राई फ्रूट दिखाया था ना पिस्ता, वो पिस्ते को देखो कुछ इस तरीके से अधला करके सुंदर सा टेक्सचर तैयार कर लिया। अब इसको इसमें ऐड कर देंगे, इसमें इलायची भी है थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा हमने बचा दिया है गार्निश करने के लिए। ठीक है, अब देखो काफ़ी अच्छा गाढ़ा टेक्सचर तैयार हो गया, इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद अच्छे से इसको चलाते रहेंगे, थोड़ी देर और चलाएंगे, उसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये पाउडर फॉर्म, ये जो चीनी आपको दिखाई थी बाद में जो छोटे से बोल में बचा के रखी थी, ये उसी चीनी का पाउडर फॉर्म है। इसको भी इसके अंदर, इसे जो मिठाई का टेक्सचर तैयार हुआ है खोवे का, इसके अंदर डालना है, जिससे थोड़ा सा वाइटनेस आ जाए। ठीक है, लेकिन ये कब डालना है, थोड़ी देर के बाद, तब तक आपको वेट करना होगा। तो चलिए वेट करते हैं इसको थोड़ा सा और गाढ़ा होने के लिए। ठीक है, ये अब ये टेक्सचर बिल्कुल तैयार हो गया है, गाढ़ा हो गया है। अब इसमें ये जो पाउडर फॉर्म किया था ना चीनी को, लगभग 30 ग्राम जो चीनी पाउडर की थी वो इसमें ऐड कर देंगे। ये देखो अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, ये देखिए ये देखो कितना सुंदर टेक्सचर तैयार हुआ है, और काफ़ी गाढ़ा भी है। बस इसको हल्के हल्के से थोड़ा सा और चलाना है,
और ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसको ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद इसको ट्रे पर पलट लेंगे ताकि इसके पीसेस काटे जा सके। ठीक है, बस इसको लगभग 2 से 3 मिनट तक और चलाना है स्लो गैस पर। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और वेट करते हैं। देखिए 2 से 3 मिनट बाद में दोबारा आई और यहाँ पर देखो ये टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा सुंदर, ये देखो कितना सुंदर टेक्सचर तैयार हुआ है। ठीक है ना, अब हम करेंगे फ्लेम को ऑफ और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद इसे ट्रे पर पलट देंगे और इसके पीसेस काटे जाएंगे। तो चलो इसको ठंडा होने तक भी वेट कर ही लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखो ठंडा हो गया है टेक्सचर मिठाई का। अब इसको इस ट्रे पर डालेंगे। इस पर ये जो है ये चांदी का वर्क लगा दिया है ताकि नीचे भी अच्छे से लेयर बन जाए चांदी के वर्क की, और देखो ऊपर भी इसको अच्छे से सजा कर और चांदी का वर्क लगा दिया जाएगा। आपको भी इस तरीके से ट्रे में डाल लेना है और ये सारा टेक्सचर बिछा देना है, मिठाई का जो टेक्सचर तैयार हुआ है। ठीक है, तो चलो वेट करते हैं इसको पूरी तरह से बिछ जाने तक। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि वो पलटने के बाद कुछ इस तरीके की ट्रे हो गई है। अब आप देख रहे हो वो जो मिठाई थी इस पर अच्छी तरह से ट्रे पर बिछा दिया है, लेकिन बिछाने से पहले ट्रे पर फ्रेश वो जो चांदी का जो लेयर होता है उसका वर्क का उसको अच्छे से लगाना है, लेकिन उससे पहले उस पर घी का लेप भी लगाना है जिससे कि मिठाई को उठाने में थोड़ा सा आसानी हो। ठीक है, और ये देखो वो जो पिस्ता का जो टेक्स थोड़ा सा जो क्रस्ट तैयार किया था उसको इस पर बिछा दिया जो कितना सुंदर लुक दे रहा है। ये देखो आपको पास से दिखाती हूँ कितनी खूबसूरत मिठाई लग रही है। अब इसको लगभग 1 घंटे के लिए हम इसी रूम में, मतलब इसको रूम टेम्परेचर में इसको रख देंगे किचन में ही ठंडा करने के लिए। 1 घंटे बाद ये इतने अच्छे तरीके से थिक हो जाएगा कि इसके पीसेस काटने में एकदम आसानी पड़ जाएगी। तो चलिए अब आपको मिलते हैं इसके पीसेस काटने के बाद। ठीक है, थोड़ा सा और वेट करना होगा। तो अब देखिए ये जो ट्रे में मिठाई रखी थी ठंडी करने को बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडी हो गई है और इसके पीसेस भी कट चुके हैं। अब ये मिठाई हो चुकी है बिल्कुल तैयार। तो आप भी ये मिठाई अपने घर में बनाइए और अपनी फैमिली को खिलाइए, खुद भी खाइए। ठीक है, तो अब आपको मिलते हैं अगली रेसिपी में। तब तक आप इस मिठाई को एंजॉय कीजिए। राधे राधे।